अफसोस की बात तो यह है कि वो सब कुछ ही कर रही है अपने घर वालों के लिए, वही उसे बदगुमान सोच बैठे हैं। देखिए आप लोग तो मुझे गलत समझते हैं, अगर प्लीज कम से कम अपनी बहन को तो बुरा नहीं समझते, उस पर भरोसा करें। फोन उठाओ, मना करो शमशा को, उसे कह दो कि आप मेरी रिश्ता मंजूर नहीं है और अंगूठी वापस करो उसकी। मगर मुझे मंजूर है। सुन लिया आप सबने, आप शादी की तारीख पक्की करें बस। उस वक्त मेरे रोने पीटने से तो आपका दिल मोहब ना हुआ, पर आज आयशा की खुशी के लिए कैसा दिल पसीज रहा है आपका। कभी नहीं भूलूंगी अम्मा, कभी नहीं भूलूंगी मैं, इस घर में मेरी खुशियों का खून हुआ है और इस खून में आप अम्मा की बराबर की शरीक हो, बराबर की। तुम ये सब क्यों दे रही थी अब्बू को सफाइयां? क्योंकि तुम पागल, जो बेवकूफी कर रही हो वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? क्यों नहीं होने दोगी? ये मेरी जिंदगी है और मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है और मुझे अपने फैसले के ऊपर कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत खुश हूं। खुश? खुश होने वालों की शक्लें ऐसी होती हैं? ऐसी नहीं होती, और ना ही उन्हें चीख चीख के सबको बताना पड़ता कि देखो मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ। उनके चेहरे उनकी कहानी सुना देते हैं, और तुम्हारा चेहरा मैडम कोई और ही दास्तान सुना रहा है। देखो ऐसा, मेरी बात गौर से सुनो, सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं तो सिर्फ पछतावे मुकद्दर होते हैं। जिंदगी इतनी अर्जा नहीं है कि उसे यूं जज्बाती फैसले करके बेमोल कर दिया जाए। तुम्हारा ये गुस्सा, ये जज्बातीपन, ये चंद दिन का है, वक्ती है। क्या तुम इसकी वजह से अपने लिए सारी जिंदगी का गम पाल लोगी? तुम अभी भी नहीं समझ रही मेरी बात। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम करना क्या चाह रही हो। होश के नाखून लो आयजा, होश करो, होश करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया और जज्बाती मैं नहीं, जज्बाती तुम हो रही हो। मेरी वजह से बदनामी के छींटे जो अब्बू के दामन पे पड़े उनको धोने का यही एक तरीका है कि मैं शादी करके जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। लेकिन आयशा, बस अब तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। पहले ही बहुत दुख दे चुकी हूँ मैं तुम्हें और अब्बू को, और नहीं देना चाहती। मैंने फैसला कर लिया, इस घर से चले जाना ही बेहतर है मेरे लिए। तुम अब्बू से बात नहीं करोगी, अब अब्बू से बात मैं करूंगी। अबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। बैठो बेटा। जब मैंने आपको कह दिया था कि मैं शादी के लिए रजामंद हूं, फिर आपने क्यों मना किया? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, और कोई भी बाप जानते बूझते अपनी औलाद को जहन्नुम में नहीं धकेलता। वो औलादें और होती हैं अबू, मेरे जैसी नहीं होती, जो बार बार अपने बाप का सर शर्मिंदगी से झुका दे। हम सबके लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर से शादी करके चली जाऊं।
वरना मेरी नहुसत का साया मेरी बहनों की भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बिटिया क्या हुआ है? देखो मेरी तरफ। अच्छा देखो, नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं, ना बिल्कुल भी नहीं। पढ़ी लिखी हो ना तुम, तो फिर बिटिया ये अनपढ़ जैसी बातें क्यों कर रही हो? नहुसत की और ये फजूल बातें कहां से आ गई? बिटिया हो जाती इंसान से गलतियां, मगर कोई भी बाप जानते बूझते एक बेटी का मुस्तकबिल बचाने के लिए दूसरी बेटी को कुएं में तो नहीं धकेल देता। और बिटिया बोझ नहीं हो तुम, वो भी ऐसा बोझ जिसे मैं उतारने के लिए किसी भी अरे गहरे नथु गहरे के हवाले कर दूं, ऐसे नहीं हो सकता बेटी। ना बेटी ना, रोते नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोते ना। बस बेटी अब ना कोई बहस होगी इस बारे में और ना तुम रोगी, समझ आ रही है? कोई भी माँ बाप जानते बूझते अपनी औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करता। औलाद कभी कभार जज्बात में गलत फैसले कर लेती है, माँ बाप ऐसा नहीं करते और मैं भी नहीं करूंगा। शाबाश, बस बस मेरे बच्चे। मेरी वजह से बदनामी के छींटे जो अब्बू के दामन पे पड़े उनको धोने का यही एक तरीका है कि मैं शादी करके जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। क्या हुआ फैजा? कुछ नहीं, फोन चार्ज ही नहीं हो रहा है। ला मुझे देखो। आई थिंक चार्जर खराब हो गया है, तुम मेरा फोन ले लो। नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। आर यू श्योर? हाँ, मुझे मामू को फोन करना है। हाँ तो प्लीज। ओ, मुझे बाबा से बात करनी है, तुम करो कॉल, मैं आता हूँ। इन सहमे हुए शहरों की फिजा कुछ कहती है, कभी तुम भी सुनो ये धरती क्या कुछ कहती है। ये ठीक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामू, फिजा बात कर रही हूँ। फिजा, ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो बेटा? दानिश का नंबर है, मेरा फोन डेड हो गया। क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम परेशान लग रही हो। कुछ भी ठीक नहीं है मामू, कुछ भी ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल की है। क्या हुआ है बताओ मुझे। मामू वो आयजा,
क्या हो गया आपको? अनम कह रही है आपने बीपी फिर हाई कर दिया अपना, क्या हुआ है? मां क्या सोचने लग गई है? तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो ले चलूं आपको डॉक्टर के पास? जो जख्म किसी के लफ्जों से दिल पर लगते हैं ना, उसका मरहम किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। अरे किसी बच्चे ने कुछ कह दिया, किसी की बात बुरी लग गई तो बताए मुझे। नहीं नहीं बच्चियां बेचारी क्या कहेंगी, बस मेरी उम्र ही ऐसी हो गई है, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे दिल भर आता है। बेटा एक बात पूछूं? जी मां। हमने कहीं नकमा के साथ नाइंसाफी तो नहीं करती? मुझे उसके बाप से बात करनी चाहिए थी। पापा क्यों पुरानी बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रही हैं? अब जो हो गया सो हो गया। समझती हूँ कि पिछला वक्त बदला नहीं जा सकता, लेकिन आइंदा ऐसी गलती हो उसको तो रोका जा सकता है। वादा करो मुझसे कि हम अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बात और बोलूं बेटा? अरे अब्बा हुक्म करें। बेटा ऐसा जहां चाहती है उसकी शादी कर दो। क्या कह रही हैं आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि हम दोबारा वही गलतियां करें। उसकी जिंदा दो मिसालें हमारे घर में मौजूद है, एक नखमा और एक फिजा। नहीं देखो ये सही लिखा हुआ है। कॉलेज तो बंक कर लिया हमने, अब तो छुट्टी का भी वक्त हो गया होगा। परीक्षा कॉलेज के बाहर हमारा वेट कर रहा होगा। किसी ने हमें कॉलेज के बाहर गाड़ी से उतरते हुए देख लिया ना तो खैर नहीं हमारी। चलो प्लीज प्लीज चलो। हाँ मतलब क्या चीज हो यार तुम, क्यों इतना डरती हो? काम नहीं करूं मैं सुकून से? बताना जरा क्या? इस लड़की की वजह से ना मैं बहुत फंस जाऊंगी। प्लीज वाला पार्ट मुझे बचा ले प्लीज प्लीज। देखो इस वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, तुम इससे प्रिपरेशन कर सकती हो। लेकिन ये फैसिलिटी मेरे घर में नहीं है तुम्हें पता तो है ना? हाँ मैं ये कॉपी कर रही हूँ, तुम ये यूएसबी ले जाना और प्रिंट आउट निकलवा देना। ठीक है? यस पूरा। हाँ ये भी होगा। हाँ भाई आ गए शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाओ पिज्जा, पहली बार तुम्हारी दोस्तें घर आई हैं, तुम्हें तो ख्याल रहा नहीं होगा। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है, रंबे ही खाते तवाजे कर। चले ये मेरी तरफ से। एंजॉय। थैंक यू। वेलकम। मैं आप लोगों का बाय वेट कर रहा हूँ, आई विल ड्रॉप यू गाइस।
अम्मा अम्मा उठ जाओ भाई, जोर का टाइम हो गया है, खाना भी बना लिया मैंने, भूख लग रही है मुझे। क्या हो गया, इतना क्यों सो रही हो आज, तबीयत ठीक है? अम्मा 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 उठो अम्मा। अम्मा अम्मा क्यों मजाक कर रही हो अम्मा? अम्मा उठ क्यों नहीं रही हो अम्मा? अम्मा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मा 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 भाई भाई साहब भाई साहब भाई साहब अम्मा नहीं उठ रही है, भाई साहब जल्दी आओ, भाई साहब अम्मा नहीं उठ रही है, भाई साहब अम्मा ठंडी पड़ी है बिल्कुल, जवाब भी नहीं दे रही है भाई साहब। अम्मा देखो भाई साहब देखो अम्मा, अम्मा को क्या हुआ, क्या हुआ है अम्मा को, क्यों नहीं उठ रही है, क्यों कर रही है इस तरह भाई साहब? अम्मा अम्मा मैं हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। भाई साहब अम्मा ठीक है ना? हेलो एम्बुलेंस, बताओ ना भाई साहब अम्मा ठीक है ना? भाई साहब नहीं नहीं भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, भाई साहब अम्मा को अकेला छोड़ के कैसे जाएगी भाई साहब? नहीं नहीं भाई साहब अम्मा मेरी अम्मा फारूक क्या हो गया है, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे, सुबह आपने नाश्ता भी नहीं किया था। कल रात से जब से फिजा से बात हुई है मेरी तो भूख प्यास ही उड़ गई है। आयजा के लिए रिश्ता आया है। क्या कैसा है लड़का, क्या करता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या बताता मैं सलमा, जब मैंने डिटेल सुनी मैं खुद इतना परेशान हो गया। मौसूफ की पहली बीवी का इंतकाल हो गया है तो बच्चा संभालने के लिए अब दूसरी शादी कर रहा है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप, भाई साहब ऐसे कैसे हाँ कर सकते हैं, क्या बेटी इतनी भारी पड़ गई उन पर? बेटी भारी नहीं पड़ गई है, वो बेटी खुद मजबूर कर रही है भाई साहब को इस रिश्ते के लिए। ये वो ऐसा क्यों कर रही है? एक सेकंड भाई साहब का। जी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। क्यों क्यों ठीक है भाई साहब मैं आता हूँ। क्यों हो फारूक? अम्मा का इंतकाल हो गया है। से तो बहुत मासूम लगती है, ये शक नहीं तो धोखा देती है। बेचारी दादी को भी यही सदमा लेट हुआ,
भला इस उम्र में ऐसी बदनामी कब तक बर्दाश्त करती। सही कह रही हो। रिजा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना अंकल? अंकल ठीक है? दादी हमें छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। रिजा, मैं अम्मू को कैसे संभालूंगी? प्लीज अपने आप को संभालो रिजा। मुझे नहीं समझ आ रही। रिजा प्लीज। चलो जगह मेरा सुना दो। मेरी अम्मा को कहीं नहीं लेके जाओ, मैं अपनी अम्मा को कहीं नहीं ले जा रही हूँ। वहीं रुक जाओ, मेरी अम्मा मुझे माफ कर दो। यहाँ अकेले कितना खाली लग रहा है ना यहाँ का।
से जैसे यहाँ कोई रहता ही ना हो। हालांकि घर में सब मौजूद है, लेकिन किसी के जाने से ऐसी खराब पैदा हो जाती है जो हजारों की मौजूदगी ही खत्म कर सकती। इस आंगन में तो दादी की आवाज गूंजा करती थी, कभी मुझे मसाला तेज होने पर डांटना, कभी हानिया को जोर से बात करने पर टोकना। तुम्हें तो कोई तमीज ही नहीं है, तुम्हें मैंने सिखाया भी है कि ऐसा बात क्या कर, बड़ों का लिहाज क्या कर, और कभी फूफो को लेकर बैठ जाना और दुनिया जहां की बातें करना। तूने वो देखा, वो जो लाल वाला सूट पहन के आई थी, कितना अच्छा लग रहा था, उसकी गोटा पत्ती देखी थी। इन दरो दीवार को तो सिर्फ दादी की आवाज सुनने की आदत है, आज ऐसा लग रहा है जैसे ये सब भी उदास हो गए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम इंसान की जिंदगी में उसकी कदर ही नहीं करते। मगर जब वो चला जाता है तो उसकी छोटी छोटी बातें भी याद आती हैं। दादी लाख सख्त सही, लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने हमें संभाला, पहनने ओढ़ने का सलीका सिखाया, जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाए। आज वाकई ऐसा लग रहा है कि माँ का साया सर से उठ गया। आज ये एहसास हुआ
अस्सलाम वालेकुम माँ। दानिश, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? ओ, रात को एक बात जानती तो है। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हारे बाबा और फारिस भी अभी वहीं से आए हैं, और तुम्हें भी शायद मेरी कॉल पर याद आया घर आने का। ये सब हो क्या रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा तो शुरू से ही उन पर बहुत मेहरबान थे, लेकिन तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हें किस तरह बेवकूफ बनाया, छोटी बेटी को कैसे फरार करवा दिया था? मॉम प्लीज यार, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। मॉम प्लीज बार बार ये बातें मत दोहरा। एक सिचुएशन हुई थी, डेथ हुई है उनके घर में, इंसानियत भी कोई चीज होती है। और आइंदा ये बातें मत दोहराइए प्लीज। तीनों बाप बेटों के सिर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार है। नखून बस करो, बस करो, यही थी। अरे भाई साहब, समझ नहीं आ रहा मुझे, समझ नहीं आ रहा, कैसे रहूं अम्मा के बगैर? मैंने तो अपनी पूरी उम्र उनके साथ गुजारी, दिन रात का साथ था। वही सब हर जगह नजर आती है घर में मुझे, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते, कैसे भूलूं अम्मा को, कैसे रहूंगी उनके बगैर, कैसे जीऊंगी मैं तो अकेली हो गई भाई साहब। हम हैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ, बस कर। अम्मा क्यों चली गई? अम्मा क्यों चली गई? बस। हौसला करें पप्पू, खुद को संभालें। आप क्यों ऐसे कह रही हैं पप्पू? हम हैं ना आपके साथ। पप्पू हमें देखें, हमारे बारे में सोचे, हमारे सर से दूसरी दफा नहीं मां का सहारा उठ गया, हम कैसे रहेंगे दादी के बगैर? वालेकुम सलाम। साथ कहाँ रह गए थे? मैं कब से खाने पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। शायद बैटरी डेड हो गई। अच्छा खैर छोड़ो, आओ खाना खा लो, मैंने भी तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया। नहीं मॉम, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप खाना प्लीज। देखो जहां आ रहा, ताल्लुकात जैसे मर्जी हों लेकिन वो हमारे समधी हैं, और मैयत पे तो वैसे भी गैर भी चले आते हैं ताजियत करने, उनसे तुम्हारी रिश्तेदारी है, क्या कहेंगे लेक अहमद? आई डोंट केयर, कुछ भी कहें, मुझे आप माफी रखिए। वैसे भी आपके बनाए हुए रिलेशनशिप्स हैं, आप ही निभाइए, और मेरी कहीं और कमिटमेंट है,
चलें बाबा। तुम कहाँ जा रहे हो? आपको बाबा ने बताया नहीं, आज सोए मैं। दो दिन होकर आए हो ना, काफी नहीं है? हर रोज चक्कर लगाना जरूरी तो नहीं है? तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, उसे गलत पट्टियां मत पढ़ाओ। ससुराल है उसका, वो जाना जरूरी है। चलो बेटा आओ। जी बाबा। अभी दो चार दिन पहले ही मैं आई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी माँ जी, पता नहीं क्या हो गया। मौत तो यूं ही पल भर में आती है शमसा बहन। सही बात। नगमा सबर करो, देखो दादी ने ही माँ के बाद बच्चियों को पाला था और अब तुम्हें ही इन बच्चियों को देखना है। ये तो कम उम्र है, कम सिन है, इन्हें जमाने की ऊंच नीच का क्या पता। बिल्कुल सही कह रही है शमसा, चार चार जवान लड़कियों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे आ पड़ी है। बड़ी हिम्मत से काम लेना होगा तुम्हें। यही है ना वो वाली बेटी? यही है। शक्ल से तो बहुत मासूम लगती है। ये शक्ल ही तो धोखा देती है। बेचारी दादी को भी यही सदमा लेट होगा, भला इस उम्र में ऐसी बदनामी कब तक बर्दाश्त करती। सही कह रही हो। आयजा जाके देखो अबू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हाय बेटा, तुम तो खुश हो ना अपने ससुराल में? जी। वैसे खुदा का शुक्र है कि तुम अपने घर में खुश हो, वरना जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी ना, वो छोटी बात नहीं थी। आयजा वाले हादसे ने तो भाई साहब को कमजोर ही बना दिया है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भाई साहब की तो कमर ही टूट जानी। मैं तो कहती हूँ बेटा, अपने बाप को समझाओ कि बस जल्दी जल्दी बेटियों को निपटाएं। इस तरह हर रिश्ते में मेन नीक निकालते रहे ना तो हो चुकी तुम्हारी बहनों की शादी। जब तक दादी थी बेचारी बार बार मुझे फोन करती थी, अब सारी जिम्मेदारी बेचारी नगमा के कंधों पर आ पड़ी। शमसा हमारी छोड़ो, अपनी कब्र की फिक्र करो, एक ना एक दिन सबको मरना है। बेहतर यही कि अल्लाह अल्लाह करो। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। देखो बेटा, तुम तो माशाल्लाह अपने घर की हो गई हो ना, कब तक यूं मैके के चक्कर लगाती रहोगी? हाँ मैं जरा आती हूँ, आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त देख लूं। जरा जल्दी लगाना ताकि जिस काम के लिए आई हैं वो काम करके जल्दी जाएं। चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे दो नैनो